नेक्स्ट टॉपिक है म्यूटाजेंट्स। म्यूटाजेंट्स क्या होते हैं? ऐसे एजेंट्स जो म्यूटेशन कॉज करते हैं उनको क्या बोला जाता है? म्यूटाजेंट्स बोला जाता है। और म्यूटाजेंट्स के द्वारा इंड्यूस्ड म्यूटेशन कॉज होते हैं। फिर अपन बात करते हैं क्लास्ट्रोजेंस की। क्लास्ट्रोजेंस क्या होते हैं? ये ऐसे एजेंट्स होते हैं, ऐसे म्यूटाजेंट्स होते हैं जो क्रोमोसोम में म्यूटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ये क्रोमोसोम में इनस्टेबिलिटी कोज करते हैं और क्रोमोसोम को ब्रेक करते हैं और उसमें क्रोमोसोमल एबरेशन, जैसे अभी पिछले लेक्चर में पढ़ा था अपने, ट्रांसलोकेशन, डिलीशन, इन्वर्जन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ऐसे म्यूटाजेंट्स को अपन क्या बोलते हैं? क्लास्टोजेंस बोलते हैं। और जो फेमस क्लास्टोजन, नॉन क्लास्टोजन है वो कौन कौन से हैं? एक्रेडाइन, येलो, बेंजीन, इथाइलिन ऑक्साइड और आर्सेनिक। ये क्लास्ट्रोजेंस क्या करेंगे? क्रोमोसोम में म्यूटेशन कॉज करेंगे। कुछ म्यूटाजेंस क्या करते हैं? सेलुलर प्रोसेस के थ्रू म्यूटाजेनिक मेटाबोलाइट्स का फॉर्मेशन करते हैं और ऐसे म्यूटाजेंस को अपन क्या बोलते हैं? प्रो म्यूटाजेंस बोलते हैं। अब म्यूटाजेंस को क्लासिफाई करते हैं तो तीन टाइप के म्यूटाजेंस होते हैं, फिजिकल म्यूटाजन, केमिकल म्यूटाजन और बायोलॉजिकल म्यूटाजन। फिजिकल म्यूटाजन की बात करें तो फिजिकल म्यूटाजन में क्या आएंगे? रेडिएशन आएंगे और टेम्परेचर आएंगे। और केमिकल म्यूटाजन को अभी अपन डिटेल में पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल म्यूटाजन भी पढ़ेंगे। और फिजिकल म्यूटाजन की बात करें तो एच.जे. मूलर ने सबसे पहले आर्टिफिशियली म्यूटेशन को इंड्यूस किया था फ्लाइज में। और केमिकल म्यूटाजन की बात करें तो सी. ओयरबैक ने सबसे पहले केमिकल्स का यूज़ किया था म्यूटेशन को इंड्यूस करने के लिए। फिजिकल म्यूटाजन की बात करें तो इसमें रेडिएशन और टेम्परेचर आते हैं। और रेडिएशन की भी बात करें तो दो टाइप की रेडिएशन होती है जो म्यूटेशन कॉज करती है। तो आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है और एक नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है। आयोनाइजिंग रेडिएशन की बात करें तो इसमें क्या क्या आती है? एक्सरेज आती हैं, अल्फा, बीटा और गामा रेज आती हैं। ये आयोनाइजिंग रेडिएशन म्यूटेशन कैसे कॉज करेंगी? ये फ्री रेडिकल का प्रोडक्शन करेंगी बॉडी में। और यहाँ पे जो रेट ऑफ म्यूटेशन होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी अमाउंट ऑफ रेडिएशन। मतलब जितना रेडिएशन का अमाउंट ज़्यादा होगा उतना ही म्यूटेशन का रेट क्या होगा? ज़्यादा होगा। और आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या करती है? जो डीएनए होता है उसके सिंगल स्ट्रैंड और डबल स्ट्रैंड को वो क्या कर देंगी? ब्रेक कर देंगे। और नाइट्रोजन बेस के सीक्वेंस का जो ऑर्डर होता है उसको क्या कर देंगे? ऑल्टर या चेंज कर देंगे। और यहाँ पे अगर सिंगल स्ट्रैंड में ब्रेक होता है तो वो रिपेयरेबल होता है, बट अगर डबल स्ट्रैंड में ब्रेक होता है तो उसको रिपेयर नहीं किया जाता। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन की बात करें तो इसमें अल्ट्रावायलेट रेज आती है। अल्ट्रावायलेट रेज क्या करेंगी? इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगी और इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन से क्या होगा? डाइमर का फॉर्मेशन होगा। और ये डाइमर क्या करेगा? रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को हिंडर करेगा। और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन के से जो म्यूटेशन होती है उसका एग्जाम्पल होता है जीरोडर्मा पिगमेंटेशन। इसमें क्या होगा? स्किन पे पिगमेंट्स हो जाएंगे। म्यूटाजन की बात करें तो इसमें सबसे पहले देखते हैं बेस एनालॉग। बेस एनालॉग क्या होते हैं? ऐसे केमिकल जो नाइट्रोजन बेस के सिमिलर होते हैं। और इसके बेस्ट एग्जांपल है 5-ब्रोमोयूरेसिल जो कि थायमीन बेस के साथ बेस से सिमिलर होता है। नेक्स्ट होते हैं अल्काइलेटिंग एजेंट्स। अल्काइलेटिंग एजेंट्स जैसे N2, सल्फर, मस्टर्ड गैस, EMS, नाइट्रोसो वैनेडिन। जो अल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं वो क्या करते हैं? बेस कपलिंग पोटेंशियल को चेंज कर देते हैं। वो मिथाइल और इथाइल ग्रुप को नाइट्रोजन बेस पे ट्रांसफर कर देते हैं। उससे बेस कपलिंग पोटेंशियल चेंज हो जाएगा और इससे ट्रांजिशन और ट्रांसवर्स टाइप के म्यूटेशन डेवलप होंगे। नेक्स्ट होते हैं डी अमीनेटिंग एजेंट्स। डी अमीनेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं? ऐसे एजेंट्स जो क्या करेंगे? अमीनो ग्रुप को रिमूव करेंगे नाइट्रोजन बेस से डी अमीनेशन की प्रोसेस से। और यहाँ पे बेस्ट एग्जाम्पल है नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड क्या करेगा? अमीनो ग्रुप को रिमूव करेगा नाइट्रोजन बेस से डीएमिनेशन के प्रोसेस से। और उससे एडेनिन हाइपोजेंथिन में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्वानिन जेंथिन में और साइटोसिन यूरेसिल में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट होते हैं एक्रेडाइन डाइज। ये क्या होती है? डाइज होती है जैसे एक्रेडाइन ऑरेंज, ICR170, ICR191। ये क्या करेंगे? नाइट्रोजन बेस के बीच में इंसर्ट हो जाएंगे और डीएनए का जो कॉन्फिग्रेशन होगा उसको चेंज कर देंगे।
और अदर केमिकल म्यूटाजन की बात करें तो उसमें क्या आता है, हाइड्रोक्सिल अमाइन, ये जीसी से एटी ट्रांजिशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और बायोलॉजिकल म्यूटाजन्स की बात करें तो बायोलॉजिकल म्यूटाजन्स में ऐसे वायरस और बैक्टीरिया होते हैं जो म्यूटेशन कॉज करते हैं, और ट्रांसपोसोन जिनको जंपिंग जीन्स बोलते हैं वो भी म्यूटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं।